हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैच के नाम आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले, अगर धनी में आप क्रेडिट लिमिट लिए हैं तो उसका रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी ये 2022 आ चुका है, तो वहाँ जैसे ये साल चेंज हुआ है तो धनी में बहुत सारा अपग्रेड, नया नया चेंज हो चुका है। तो अगर आप धनी से क्रेडिट लिमिट लिए हैं तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट ही बात करूंगा कि कैसे आप रीपेमेंट कर सकते हैं या धनी आपसे कैसे रीपेमेंट ले रहे हैं। अगर धनी में आप क्रेडिट लिमिट लिए भी नहीं, लेने के लिए सोच रहे हैं, फिर भी आप ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको लेने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको वहाँ पर जो दिखा रहे हैं 3EZ में, तो आपको 3E में कैसे रीपेमेंट करना है, इसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सकें। अगर आपको धनी के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाइए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर धनी प्ले लिस्ट करके लिंक है, उस लिंक को ओपन करके धनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलते हैं टॉपिक में, धनी आपसे रीपेमेंट कैसे लेता है जो भी आप धनी क्रेडिट लिमिट लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आपको क्रेडिट लिमिट कैसे मिल रहा है। अगर धनी में एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड देके फुल KYC कर लेते हैं, उसके बाद आपका आधार बेसिस में या पैन बेसिस में आपको आपका क्रेडिट लिमिट तय किया जाता है, वो क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है। फिर अगर आपको क्रेडिट लिमिट अप्रूव हो जाता है तो आपके पास एक धनी वन फ्रीडम कार्ड आ जाते हैं, और आप धनी वन फ्रीडम कार्ड के थ्रू ही जो धनी से क्रेडिट लिमिट मिला है वो क्रेडिट लिमिट को यूज़ कर सकते हो। तो बात यह है कि आपको क्रेडिट लिमिट मिल गया, चाहे आप सोचिए 5000 क्रेडिट लिमिट मिल गया, तो आप इसको यूज़ कैसे करें, उसे रीपेमेंट कैसे करें। तो बात करते हैं पहले यूज़ करने की, आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है, जैसे सोच लीजिए आपको 5000 क्रेडिट लिमिट मिला है, तो पर डे आप 10% ही यूज़ कर सकते हैं। यानी आप 10000 से, जैसे कि आपको मिला है 5000, तो आप पर डे 500 रुपये ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि धनी का ये टर्म एंड कंडीशन है, जितना भी आपको क्रेडिट लिमिट मिला है उसका आप पर डे 10% ही यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको 5000 मिला है तो 500 रुपये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको 1000 मिला है तो आप 1000 रुपये यूज़ कर सकते हैं 10% के हिसाब से। तो सोच लीजिए आप यूज़ कर लिए आज 500 रुपया, तो आपको जैसे कि आपको अब आज जो भी क्रेडिट लिमिट मिला है आपको आपका इस आज 500 रुपये यूज़ कर चुके हैं क्रेडिट लिमिट से। अगर आप ये सोच रहे हैं इस मंथ में जितना भी यूज करेंगे उसका नेक्स्ट मंथ में आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो ये गलती मत करिए, ये गलत फहमी आप दिमाग से निकाल लीजिए। क्योंकि जब भी धनी का जो क्रेडिट लिमिट आप यूज करते हैं, जैसे आज 500 रुपये यूज किए तो उसका 3 EMI होता है, यानी 500 रुपये का 500 / 3, तो जितना भी बनता है आपको नेक्स्ट डे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। सोच लीजिए आप 10 तारीख को 500 रुपये यूज किए तो 500 का जो फर्स्ट EMI होता है वो 11 तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 11 तारीख को भी और कुछ 500 रुपये यूज किए और कुछ भी यूज किए तो वो भी 12 तारीख को आपको उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे होता है, जैसे कि आप जनवरी 10 को यूज किए तो जनवरी 11 को एक पेमेंट करना पड़ेगा, फरवरी 11 को एक पेमेंट करना पड़ेगा और मार्च 11 को भी एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका ऐसे ही 3 EZ EMI होता है, यानी आप जितना दिन आप यूज करें उसका नेक्स्ट डे आपका ईमेल आपको देना पड़ता है, और आपका जो ईमेल आपको बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे कि मंथली ईमेल होता है, नहीं, आपका पर डे ईमेल होता है, और आप अगर आप आज कुछ यूज किए उसका एक ईमेल आपके अकाउंट में नहीं है तो आपके अकाउंट में जब भी वो नेक्स्ट डे आपको हिट करेगा कि अमाउंट, वो आपका अमाउंट अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं होगा तो आपको बाउंस चार्जेस पड़ जाएगा, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर आपको ऐसे ही बाउंस दिखा रहा है तो आपसे जाके भी रीपेमेंट कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिए जितना भी आप क्रेडिट लिमिट यूज करें आज, तो उसका नेक्स्ट डे में आप उतना भी अपने अकाउंट में भर के रखिए, नहीं तो अगर आप अकाउंट में अगर अमाउंट हिट करेगा और आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो बैंक वाले भी आपसे बाउंस चार्जेस कटेंगे और धनी भी आपसे बाउंस चार्जेस कटेगा। तो ये मोटा मोटी है कि आप रीपेमेंट का प्रोसेस, कि आप अगर आपके दिमाग में ये है कि मंथली रीपेमेंट होते नहीं, पर डे उसका ईएमआई का रीपेमेंट होता है। अगर आपको धनी के बारे में, कि धनी क्रेडिट वन फ्रीडम कार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, धनी क्रेडिट लाइन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप धनी के बारे में और कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कॉल करके बता सकते हैं, या धनी के बारे में और कुछ ज़्यादा भी जानकारी चाहिए तो चाहिए मेरे वीडियो रिसर्च में, वहाँ पर धनी प्ले लिस्ट करके लिंक है, उस लिंक को ओपन करके आप धनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जाए और आप वीडियो पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।